ही फ्रेंड्स, मैं हूं प्रद्युम और आज हम बात करेंगे फेसबुक पर व्हाट्सएप बटन को ऐड करने के बारे में। अपने पेज पर आप फेसबुक का व्हाट्सएप का बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में ये पूरी वीडियो है। पहली बात तो ये कि हर पेज के लिए ये व्हाट्सएप बटन नहीं है और कुछ पेज जो एलिजिबल हैं इसके लिए उन पर ये दिखता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, मेरे 6 पेज हैं तो इनमें से केवल वो 3 पर दिखाई दे रहा है। हर कंट्री में है लेकिन कुछ चुनिंदा पेजों पर। अब वो चुनिंदा पेज कौन से हैं वो आगे बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं कि दिखता कैसा है। जैसे स्टेनोग्राफी की मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। दिखते कैसे हैं, सिंपली इस पर क्लिक करना है नाम पे और देन इस प्रकार से खुल के आएगा। तो पब्लिक व्यू पे आपको क्लिक करना है और देन यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया व्हाट्सएप बटन। तो व्यूएस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर व्हाट्सएप दिख रहा है, लोगों के साथ लिखा हुआ है व्हाट्सएप। तो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेंगे वो सीधे ऑनर को व्हाट्सएप पर मैसेज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये किन किन पेज पर है मैं आपको एक शॉर्ट में फटाफट दिखा दे रहा हूँ। स्टेनोग्राफी दिखा दिया, दत्त प्रणाली इस पर है ही नहीं, दिखाता हूँ, ऐड करता हूँ और देन यहाँ पर देखें आप कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज और सेंड ईमेल, यानी यहाँ पर भी नहीं है। जीके नोट्स यहाँ पर भी नहीं है। पब्लिक व्यू में जाते हैं और देन ऐड बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी देखें आप कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज और सेंड ईमेल, यहाँ पर भी नहीं है। और अगला है टाइपिंग हेल्पलाइन ENS स्टूडियो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्योंकि ये पेज मैंने मेरे हिसाब से था, बताऊँगा क्या है आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखें कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मेल और सेंड मैसेज देन व्हाट्सएप, 5वां नंबर। उसके बाद अगला जो है टाइपिंग हेल्पलाइन, इस पर भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये भी मैंने वैसा सेट कर रखा है जैसा होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दिया है। ठीक है, और आखिरी पेज जो बचा है प्रद्युम्न प्लस, उस पर भी देख लेते हैं पब्लिक व्यू देन ऐड बटन और यहाँ पर भी वो नहीं है, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट अस, सेंड मैसेज और सेंड ईमेल। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि जो बटन दिख रहा है उन्हें हम ऐड कैसे करेंगे। सिंपल ऐड करना बहुत ही इजी है लेकिन एक सावधानी बरतनी है। क्या है वो सावधानी, कि आपको एप्लीकेशन से बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ओके, व्हाट्सएप पर आपको क्लिक करना है और देन पूछा जाएगा व्हाट्सएप नंबर, तो आपको क्लिक करके थोड़ी देर वेट करना है। वेट करने के बाद आपको देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट कंट्री जो आपकी है वो आपको चूज़ करना है। देन मैं यहाँ पे 91 करता हूँ क्योंकि वो है इंडिया। ओके, इराक, ईरान, इंडिया। ओके, देन यहाँ पे नंबर डालना है आपको 9589840482। ठीक है, और देन सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। कोड जाएगा, ये कह रहा है व्हाट्सएप, सॉरी गलत हो गया क्या, इंस्टॉल व्हाट्सएप 9589840482, क्या कह रहा है ये। हो सकता है मैंने क्योंकि 2 पेज पर ऑलरेडी ऐड कर दिया है तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो रही हो, पर फिर से देख लेता हूँ। अरे यार 482 है, 842 नहीं, 482। ओके, देन सेंड कोड, कोड चला गया, कोड आ भी गया 77269। तो यहाँ पे हम डालेंगे 77, डल नहीं रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ बट यहाँ पे कुछ डिजिट नहीं आ रहे। तो यही सावधानी जो मैंने बोली थी जो आपको बरतनी है ये होने वाली है। यहाँ अगर ये यहाँ पर कोड नहीं ले रहा है तो आप OTP कैसे डालेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन का सहारा नहीं लेना है, चलना है आपको क्रोम की तरफ। तो चलते हैं क्रोम की ओर, क्रोम नए सिरे से बताऊंगा। नया टैब ओपन कीजिए, नया टैब ओपन करने के बाद आप देखें लोगों के बगल में 3 बिंदु हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन, क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है facebook.com। देखो यहाँ पर याद रखिएगा कि m वगैरह ना लगे उसमें, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है। कुछ लोग m.facebook.com लिख देंगे तो वो नहीं दिखेगा, facebook.com डेस्कटॉप साइट अब आपको विजिबल होगी। ओके, अब आपको जाना है पेजेस में, पेजेस में जाने के बाद वो पेज चूज़ करना है जिस पर आपको व्हाट्सएप का बटन दिख रहा है और आप उसे ऐड करना चाहते हैं। मुझे पता है कि ENS स्टूडियो पे वो लाइव है बटन और मुझे ऐड करना है तो मैं क्लिक करूँगा। ओके, थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि मोबाइल है, PC व्यू लोड हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो आपको करना क्या है, अब साइट में दिख रहा है ना पेज नेम के नीचे होम, पोस्ट, जॉब, इवेंट, रिव्यू, वीडियो, पोस्ट एंड अबाउट, अबाउट में जाना है, थोड़ा सा वेट करना है, लोड होने देना है और देन यहाँ पर आपको डालना है व्हाट्सएप नंबर। ओके, क्लिक करते हैं
एंटर व्हाट्सएप नंबर और थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंट्री कोड। यहाँ पर सर्च करेंगे IND India 91। देखो हो सकता है आपको ठीक से वीडियो ना दिखे क्योंकि मैं एक्चुअली मोबाइल में दिखा रहा हूँ पीसी का व्यू, ताकि आपको सही से दिखाई दे। जूम करूँगा ताकि आपको ठीक से विजुअल हो सके। यहाँ पे आपको नंबर डालना है कि 9589840482। ओके, और देन सेंड कोड पर क्लिक कर देना है। बी श्योर के आपका नंबर सही हो, 61629। ओके, कोड डालना है यहाँ पे 61629। ओके, एंड देन कंफर्म कर देना है। बस हो गया काम, ऐड हो गया। यू हैव कनेक्टेड अ व्हाट्सएप अकाउंट टू योर पेज, नाउ वुड यू लाइक टू ऐड अ व्हाट्सएप बटन। अभी क्या है, अकाउंट तो ऐड हो गया, जो हम वहाँ से ऐड कर रहे थे ना बटन, अब वो यहाँ पे ऐड होगा। ऐड बटन पे क्लिक करना है। बस हो गया काम, आपके पेज पर व्हाट्सएप बटन ऐड हो चुका है। ठीक है, चल के देख लेते हैं, फेसबुक की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन और देन ये रहा मेरा पेज, और जाती हैं नाम पर क्लिक करेंगे, पब्लिक व्यू सिलेक्ट करेंगे और देन एडिड। ओके, देख लेते हैं, आप देखें व्यू एज पब्लिक, ऐड हो गया, व्हाट्सएप बटन दिख रहा है सिंपली। तो कितना आसान था व्हाट्सएप बटन को ऐड करना। याद रखिएगा, फेसबुक का एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करेगा। कुछ लोगों को समस्या होती है कि वो मतलब उनका कंट्री कोड ही सिलेक्ट नहीं होगा, कुछ लोगों को कंट्री कोड सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर डाला जाएगा, OTP नहीं आएगा, कुछ लोगों का OTP आएगा लेकिन इंसर्ट नहीं होगा। तो इन सब का समाधान एक ही है जो मैंने बताया, क्रोम में जाइए और डेस्कटॉप साइट रिक्वेस्ट कीजिए और देन आसानी से एक्सेस कीजिए। अब चलते हैं उस बात की ओर कि हमारे पेज पर व्हाट्सएप बटन आ ही नहीं रहा तो हम कैसे मंगाएं। ठीक है, तो मंगाने का एक सिंपल तरीका है, बहुत कठिन नहीं है। जब भी आप पेज बनाएं, कोई भी पेज बनाइए, सपोज़ कीजिए ये मेरा पेज है, मैंने बनाया है, ओके, तो पेज की इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दें, जो भी पेज में इन्फॉर्मेशन आवश्यक है वो डाल दें, ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ यूज़र एक मतलब सही यूज़र है, फर्जी पेज नहीं है या फिर फेक पेज नहीं है या फिर ऐसा कोई अनयूजुअल पेज नहीं है कि मतलब इसका कोई अस्तित्व ना हो या फिर वैसे फालतू बना दिया, इसका कोई अब ऑपरेटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अबाउट सेक्शन में जाइए, जहाँ से व्हाट्सएप नंबर हमने ऐड किया है, वहीं पर जाने के बाद अपना पूरा बायोडाटा यहाँ पर डाल दें। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है, देखो व्हाट्सएप नंबर, अभी मैंने बताया था मेरे पेज पर दिख नहीं रहा था, लेकिन प्रद्युम्न प्लस पर भी आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर चीज़ यहाँ पर ऐड कर रखी है, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, ब्लॉग का एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, ये तब नहीं था तभी मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया था। दिख रहा है ये, जब बटन नहीं था तब भी मैंने ये डाल दिया था। इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रद्युम्न प्लस के ठीक नीचे यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ट्विटर भी मैंने डाला हुआ है। सीधी बात ये है, व्हाट्सएप नंबर केवल उनको मिल रहा है जिनका पेज सही तरीके से पूरी जानकारी फिल किए है। अगर आपने जानकारी आज ही फिल की है तो 2-5 दिन वेट कर लें, उसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार जोड़ के दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है। सिंपली क्लिक करना है एंटर व्हाट्सएप नंबर और देन कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, तो मैं इंडिया सर्च करूँगा, IND देन इंडिया, और सॉरी यहाँ पर नंबर डाल दूँगा अपना 9589840482। ओके, और देन सेंड कोड, कोड आएगा कितना आया, 9552, 9552। ओके, और देन कंफर्म। बस हो गया काम, कनेक्टेड। एंड अब क्या करना है, सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है, बटन ऐड हो गया। अब जितने भी पेज के विजिटर होंगे वो सीधे सीधे आपके ऑनर को, जो भी आप जिसने जिसका नंबर आपने ऐड किया है, व्हाट्सएप नंबर ऐड किया है, सीधे उसको कॉल कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली, तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, और आप आसानी से ऐड कर पाएंगे व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे व्हाट्सएप नंबर
ऐड किया जाता है। अपने पेज पर अगर आपको व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है तो क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, फेसबुक एप्लीकेशन ना करें, क्योंकि मैंने बता दिया है क्या होता है। पहली बात, कुछ लोगों का तो कंट्री कोड ही सिलेक्ट नहीं होगा, अगर हो जाता है तो OTP नहीं आएगा, अगर OTP भी आ जाता है तो सबमिट नहीं होगा। तो इन सब परेशानी से बचने का सिंपल तरीका है कि क्रोम पर आएँ, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट करें, facebook.com पर जाएँ, पेज सिलेक्ट करें और देन अबाउट में जा करके व्हाट्सएप नंबर ऐड कर लें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा परेशानी होने की परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा, ओके। और आप आसानी से ऐड कर पाएंगे। और अगर आपके पेज पर विजिबल ही नहीं हो रहा है तो अपने पेज की जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, आपके अकाउंट हैं, सारे के सारे सबमिट कर दें, ठीक है। 2-5 दिन वेट करें, आपको व्हाट्सएप नंबर का बटन मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कोई सहायता आपको मिल सकी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, यूज़फुल लगता है तो शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।